इतनी जाति हो रही है, इतने अपराध हो रहे हैं, किसी भी विपक्षी दल के नेता ने कोई भी विरोध नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने केवल यह बीड़ा उठाया कि हम इस सरकार का विरोध करेंगे, और इस आज जो विरोध हो रहा है, सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है, जिसके लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब जानते हैं पत्रकार बंधु भी कि चाहे विपक्ष की समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई दल हो, किसी ने भी आज तक इन मुद्दों को लेकर के विरोध नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और धरना देके ये एहसास कराएंगे सरकार को कि या तो आप काम कायदे से करिए, वरना आने वाले समय में आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और जैसे अभी आप सत्ता में दोबारा आने की उम्मीद नहीं रहेगी कभी भी, और फिर उम्मीद है कि इस प्रगति पार्टी से ही तमाम विधायक यहाँ से निकल के जाएंगे और वो आप लोगों की भलाई के लिए प्रदेश में काम करेंगे। जय हिंद, जय प्रगति समाजवादी। श्री बचेलाल गंगवार जी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और अपनी बात रखा जा रहा है। हम आप सबका स्वागत करते हैं, आपने समय दिया, मैं अपना समय। सबसे पहला मुद्दा है कि 12% बिजली के दाम बढ़ा दिए, और 6 महीने पहले बढ़ाए थे, 12% फिर बढ़ा दिए। आए दिन मोटर व्हीकल एक्ट के नाम पर आम जनता को परेशान किया जाता है, आवारा पशु किसानों को बर्बाद किए हैं, पूरी रात किसान जगता है, फिर भी जरूरी नहीं है सुबह को उसका खेत मिल जाए खाली। तो इतना आवारा पशु परेशान, थाने और तहसीलों में लुटाई हो रही है, पुरानी पेंशन के लिए पूरा प्रदेश का कर्मचारी रो रहा है, पुरानी अभी तक पेंशन लागू नहीं कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, और जरूरत पड़ी तो आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आजकल जो हत्याएं हो रही हैं, कुछ बॉम्ब लिंचिंग हो रहा है, और जो वो भी मुद्दा है। भीड़ के इकट्ठी होकर भीड़ हत्या कर रहे हैं लोग, और खासकर ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोग सड़क पर आएंगे निश्चित।